आज हम आप सभी लोगों को मैथ का चिन्ह लगाना सिखाएंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अगर इसमें आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं, आप सवाल पूरा सही लगा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा जब आपको प्लस गुड़े माइनस इस तरह के चिन्ह लगाने हो या इस तरह के चिन्ह लगाने हो, थोड़ी सी गलती हो जाती है तो पूरा सवाल आपका गलत काट दिया जाता है, क्योंकि आंसर ही आपका गलत आ जाता है। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। केवल 3 स्टेप मात्र ऐसे हैं जिनमें लोग अधिकतर ज़्यादा गलती करते हैं। तो चलिए पहले मैं शुरू करता हूँ। प्लस गुड़े प्लस है तो प्लस गुड़े प्लस जब भी कहीं पर आपको दिखे तो वह हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा, हमेशा क्या, प्लस ही होगा। अब उदाहरण लेके मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस 3 गुड़े अगर मैं करूँ प्लस 5, तो प्लस 3 गुड़े प्लस 5 क्या होता है आपका, 3 गुड़े 5 कर देंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, प्लस में आएगा। अब आपको एक चीज़ बता दूं, किसी भी संख्या के सामने अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो वह हमेशा क्या, प्लस में माना जाता है, वह हमेशा क्या, प्लस में माना जाता है। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर 6 × 6 × 3 करूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 के आगे कोई, 6 के आगे अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वह प्लस में माना जाता है। 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो 6 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 18 होगा। चाहे आप प्लस 18 लिखिए चाहे आप 18 लिखिए, दोनों बात एक ही होंगी। तो इस तरह के अगर चिन्ह आपको दिखेंगे तो आप आसानी से प्लस गुड़े प्लस क्या होगा, प्लस कर देंगे। दूसरा स्टेप इसमें देखिए क्या है, माइनस गुड़े माइनस क्या होता है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 3 गुड़े माइनस 2 अगर लिया जाए तो 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको माइनस 6 नहीं लगाना है, क्योंकि माइनस गुड़े माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर कब माइनस 6 लगाना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो आपका 7वां और 8वें स्टेप में आपका है। वो ही सवालों में अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, गलतियाँ कर देते हैं। अब अगर मैं एक उदाहरण और आपको दूँ कि माइनस 1 गुड़े माइनस 5 अगर किया जाए तो कितना होगा, 5 × 5 हो जाएगा। माइनस माइनस गुड़े माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस गुड़े माइनस क्या हुआ, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो प्लस का चिन्ह चाहे लगा दीजिए चाहे ना लगाइए, दोनों ही सही होते हैं। तीसरा स्टेप देखिए आपका क्या है, माइनस गुड़े प्लस क्या होता है, तो माइनस गुड़े प्लस आपका क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। अब एक उदाहरण मैं आपको लूँ, माइनस 3 गुड़े प्लस आपको 2 लिख दूँ तो क्या होगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा माइनस का चिन्ह लगेगा, तो माइनस 3 गुड़े प्लस 2 कितना होगा, माइनस 6 होगा। दूसरा उदाहरण लेता हूँ मैं, माइनस 4 गुड़े यहाँ पर कर दूँ 5 लिख दूँ, यहाँ पर प्लस चाहे 5 लिखें चाहे 5 लिखें दोनों एक ही बात है। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब भी यहाँ पर गुड़े का चिन्ह हो और माइनस गुड़े प्लस हो तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया। चौथा स्टेप आपका है, प्लस गुड़े माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस गुड़े माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर अगर 3 × 3 आपको 6 लेके मैं बताऊँ, तो यहाँ पर 3 × यहाँ पर माइनस है तो माइनस 6 ले लीजिए, तो 3 × -6 आपका कितना हो जाएगा, 3 × 6 कितना होगा, 18 हो जाएगा। प्लस और गुड़े माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, -18। दूसरा उदाहरण आपको लेता हूँ, यहाँ पर आपको प्लस 6 इसके बाद गुड़े माइनस 2 ले लेता हूँ तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। कि कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस गुड़े माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, -12 आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब आपका 5वां स्टेप शुरू होता है, यहीं से लोग गलतियाँ करना शुरू करते हैं, तो इसको आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 5वां है, प्लस प्लस और प्लस जब भी मिलेगा तो हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। उदाहरण से समझाता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस 3 ले लेता हूँ, फिर प्लस का चिन्ह लगाता हूँ, फिर यहाँ पर मैं प्लस 2 ले लेता हूँ। तो इनको जब भी आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, 6 × 6 आप क्या लिख दीजिए, 6 × 2 लिख दीजिए। तो 6 और 2 को हमेशा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 8 होगा। यहाँ पर 6 के सामने प्लस का चिन्ह लगा है, 2 के सामने भी प्लस है, तो समझ लीजिएगा आप क्या होगा, 6 × 2 = 8 हो जाएगा। तो प्लस प्लस कहीं भी दिखे तो क्या होगा, प्लस में ही आएगा। 6वां प्रश्न आपका क्या कहता है, माइनस है
प्लस है माइनस है तो हमेशा क्या आपका चिन्ह माइनस में ही लगेगा। तो उदाहरण लेके समझाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर मैं आपको माइनस दो ले लेता हूँ, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं माइनस पाँच ले लेता हूँ, क्या माइनस पाँच ले लेता हूँ। इनको आप सॉल्व करेंगे, माइनस दो है तो माइनस दो लिखेंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पाँच है तो पाँच को उतार लीजिएगा, ये आपका ब्रैकेट खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस आपका प्लस होगा, तो पांच और दो को आपका क्या करना है जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा सात आ जाएगा। यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा यही आपको समझनी है, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पांच क्या है बड़ी है, इसके सामने क्या है माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। तो वही चीज देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपका उत्तर हमेशा क्या माइनस में ही आएगा। आप किसी भी तरह से आप एग्जांपल लेंगे आपका उत्तर माइनस में ही आएगा। सातवां है आपका, देखिए माइनस है प्लस है फिर प्लस है, तो आपका क्या इसमें माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर मैं माइनस दो लेता हूँ, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाता हूँ, फिर इसके बाद मैं क्या प्लस चार ले लेता हूँ, कितना प्लस चार। इनको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस दो है तो माइनस दो लिखेंगे, प्लस और प्लस मिलकर प्लस होता है, फिर इसके बाद चार है तो चार को उतार लीजिए, आपका कितना आ जाएगा माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा माइनस होगा। तो चार में से दो आप घटाएंगे कितना हो जाएगा दो आ जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर प्लस के सामने देखिए चार है तो चार बड़ी है तो यही चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर प्लस दो, तो प्लस दो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं, यहाँ पर माइनस पाँच ले लेते हैं, फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या प्लस तीन ले लेते हैं। इनको आप सॉल्व करिए, माइनस पाँच है तो यहाँ पर माइनस पाँच लिखेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, तीन को उतार लेंगे। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो पांच में से तीन आप घटाएंगे दो आ जाएगा। यहाँ पर किसका चिन्ह लगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर देखिए माइनस के सामने वाली पांच है तो पांच के सामने क्या लगा है माइनस का चिन्ह लगा, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। तो वही चीज मैं बोला कि इसमें माइनस का भी आपका चिन्ह लग सकता है प्लस का भी चिन्ह लग सकता है, दोनों आप उत्तर देख रहे हैं यहाँ पर प्लस लगा यहाँ पर माइनस, आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगला स्टेप है आठवां स्टेप है, देखिए आपका वेरी इंटरेस्टिंग, यही चीज इसमें भी है, प्लस है प्लस है माइनस है, तो आपका क्या आएगा माइनस या प्लस में आपका उत्तर आ सकता है, क्या माइनस और प्लस में। उदाहरण लेके समझाता हूँ, प्लस दो ले लेता हूँ, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाता हूँ, फिर इसके बाद माइनस चार ले लेता हूँ। अब देखिए इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस दो को आप दो भी लिख सकते हैं, प्लस और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर चार लिख लेंगे, आपका ब्रैकेट खत्म हो गया। अब प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो चार में से दो आप घटाएंगे दो आ जाएगा। यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर चार है तो चार के सामने क्या माइनस का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर आपका उत्तर माइनस दो आया है। अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण अगर और लेता हूँ, प्लस पांच ले लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं लेता हूँ प्लस का चिन्ह लगाता हूँ, फिर माइनस वन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर पांच प्लस पांच है तो पांच लिख सकते हैं, प्लस माइनस क्या है माइनस हो जाएगा, वन है तो वन लिख लीजिए। इनको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, पांच में से एक घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा चार आ जाएगा। तो पांच में से एक घटाया आप चार आ गया, तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगा होता है। मान लीजिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो इसके सामने वाली संख्या पांच है सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर क्या प्लस चार होगा, तो प्लस चार को आप क्या चार भी लिख सकते हैं, आपका आंसर दोनों सही होगा। यहाँ पर माइनस दो आया है, यहाँ पर प्लस चार आया है, तो ऐसे कंडीशन में आपका माइनस प्लस दोनों भी चिन्ह लग सकता है। नौवां और बारहवां, नौ से लेकर बारहवां स्टेप आप लोग थोड़ा और ध्यान से समझिएगा, माइनस है फिर माइनस है, तो इसमें भी आपका क्या माइनस और प्लस का चिन्ह लग सकता है। उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर माइनस दो ले लेता हूँ, फिर इसके बाद माइनस लेता हूँ, फिर इसके बाद माइनस तीन ले लेता हूँ। यहाँ पर माइनस दो है तो माइनस दो लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तीन है तो तीन लिख लेंगे, आपका उत्तर कितना आ जाएगा माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तीन में से दो घटाएंगे कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, तो आपका चिन्ह क्या लगेगा प्लस का चिन्ह लगेगा। ये नौवां और दसवां सेम आठवां और सातवां की तरह है, तो इसको दसवां आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ पर क्या होगा हमेशा प्लस और माइनस का चिन्ह लगेगा। एक उदाहरण आप अपने मन से लेंगे तो आपको और अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। चलिए ग्यारहवां मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में आने वाला नहीं है। कोई भी
टीचर होगा आपको बताएगा, आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। यहाँ पर 11वां प्रश्न है, प्लस है, माइनस है, फिर माइनस है, तो ऐसे प्रश्नों में सदैव क्या होगा, प्लस ही आएगा। क्या होगा, सदैव प्लस ही आएगा। उदाहरण लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, माइनस लगाता हूँ, यहाँ पर माइनस लगा है, फिर इसके बाद माइनस 6 ले लेता हूँ, इनको आप सॉल्व करिए, 3 है तो 3 लिख लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 है तो 6 लिख लेंगे। अब 3 × 6 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 6 × 3 9 होगा, तो हमेशा प्लस में ही आएगा। यहाँ पर हमेशा प्लस में क्या होता है, क्योंकि जब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये तो प्लस में आ जाता है, ये हमेशा प्लस में रहता है, तो प्लस प्लस क्या होगा, हमेशा प्लस में ही आएगा। तो और उदाहरण लेके समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 12वां प्रश्न है, देखिए माइनस है, माइनस है, प्लस है, ये हमेशा क्या होगा, माइनस में ही इसका उत्तर आएगा। उदाहरण लेके समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए माइनस 5 ले लेता हूँ, माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस लगाता हूँ, यहाँ पर प्लस 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर हमेशा क्यों माइनस में आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। माइनस 5 है तो माइनस 5 लिख लीजिए, माइनस और प्लस क्या होगा आपका, माइनस और प्लस हमेशा माइनस में होगा। यहाँ पर देखिए एक ये तो हमेशा माइनस में ही रहता है, लेकिन जब यहाँ माइनस और प्लस करते हैं तो माइनस आ जाता है, तो जब यहाँ पर माइनस आ जाता है फिर इसके बाद हम यहाँ पर 2 उतारेंगे, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो चिन्हवा किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा। तो -2 और -5 और -2 को जोड़ेंगे आपका कितना जाएगा, 5 × 2 कितना आपका, 7 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जिस भी संख्या के सामने वाली चिन्ह बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर तो दोनों संख्याएं माइनस में है, तो एक चिन्ह लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, आपका यही क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 बड़ी है तो इसके सामने क्या है, माइनस लगा है, तो -7 आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो जो वीडियो पूरा ध्यान से देखा होगा शुरू से लेकर अंत तक, उसी को समझ में आया होगा, जो बीच में छोड़कर भाग गया होगा उसको कहाँ से समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया गया तरीका जरूर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।